जय दुर्गे माँ। नवयुवक दुर्गा मंडल समिति आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है। हमारी समिति विगत 59 वर्षों से रामपुर आजाद चौक जबलपुर में माँ दुर्गा की प्रतिमा रखती आ रही है। इस वर्ष हमारी समिति शेरों की विलुप्त प्रजाति के बारे में आपको जानकारी दे रही है। चूंकि शेर माँ दुर्गा की सवारी है, जो हमारे लिए बहुत आस्थावान है, शेरों की जातियों की रक्षा क्यों करना है? इसका कारण यह है कि शेर हमारी खाद्य श्रृंखला यानी इकोसिस्टम का पहला जानवर है और इसके विलुप्त होने से हमारी खाद्य श्रृंखला खतरे में पड़ती जा रही है। आइए हम नजर डालते हैं शेरों की विभिन्न प्रजातियों पर। सबसे पहले नाम आता है सेवर टूथ टाइगर का, जो कि साउथ एवं नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था, जिसको विलुप्त हुए तकरीबन 10,000 वर्ष हो चुके हैं। और यह सेवर टूथ टाइगर हिमयुग में पाया जाने वाला नुकीले एवं बहुत बड़े दांतों वाला शेर था। दूसरे नंबर पर आता है लॉन्ग डेन टाइगर। यह शेर चीन, ईरान एवं सेंट्रल एशिया में पाया जाता था। लॉन्ग डेन टाइगर को विलुप्त हुए तकरीबन 50,000 वर्ष हो गए हैं और इसे दुनिया का सबसे पुराना टाइगर माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है बार्बी लॉयन, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। बार्बी लॉयन तकरीबन 1960 में विलुप्त हो गया था और ये दुनिया का सबसे बड़ा और लंबे बालों वाला शेर था। अब चौथे स्थान पर आता है केव लॉयन, जो कि एशिया और यूरोप में पाया जाता था। केव लॉयन को विलुप्त हुए तकरीबन 4,000 वर्ष हो चुके हैं। यह हिमयुग में पाया जाने वाला बब्बर शेर है। अब पांचवे स्थान पर बारी आती है जवान टाइगर की, जो कि इंडोनेशिया के जावा आइसलैंड पर पाया जाता था। इस टाइगर की विशेषता यह थी कि इसके शरीर पर सबसे ज्यादा धारियां पाई जाती थी। और अब छठवें स्थान पर आता है कैस्पियन टाइगर, जो कि सेंट्रल एशिया, तुर्की एवं ईरान में पाया जाता था। कैस्पियन टाइगर तकरीबन 1980 में विलुप्त हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं बाली टाइगर को। माना जाता है कि यह दुनिया का सबसे छोटा टाइगर था, जो कि इंडोनेशिया के बाली आइसलैंड में तकरीबन 1950 में ही विलुप्त हो गया। दिनों दिन होते जा रहे शेरों के शिकार से हमारी ये सभी प्रजातियां खतरे में आ चुकी हैं। आठवें नंबर पर आता है एशिया चीता, जो कि भारत में पाया जाता था। कहा जाता है कि यह एशियाई चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है। एशिया चीता तकरीबन 1947 में ही विलुप्त हो गया। और अब बारी आती है मोहन टाइगर की, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में 1971 से 91 के बीच में देखा गया। माना जाता है कि मोहन टाइगर दुनिया का पहला सफेद शेर है,
और दुनिया में जितने भी सफेद शेर हैं, वह सभी इसी की संतान हैं। तो ये थी वो जातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं। हमारी समिति का उद्देश्य शेर को बचाना है। हमारा कर्तव्य है शेरों के शिकार को रोकना है। नव युवक दुर्गा मंडल समिति के द्वारा इस कार्यक्रम के उद्देश्य को हम सफल करें और संकल्प लें कि शेरों के शरीर से बनने वाली अर्थात खाल, नाखून या अन्य किसी चीज का हम उपयोग नहीं करेंगे और माँ दुर्गा की सवारी को उसके उसी स्थान पे पहुंचाना है। जय दुर्गे माँ।